हेलो बच्चों, तो आज थर्मोडायनेमिक्स का हम सेकेंड लेक्चर लेकर आ गए। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल इक्विलिब्रियम पूरी तरह से समझाया। अब बच्चों, जीरोथ लॉ के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए मुझे तीन टर्म समझने पड़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हीट पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा सा प्लान में चेंज है। पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी, नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे हीट और नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे वर्क। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन का इशू है कि साइन चेंज होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स का जो भी प्रॉब्लम है वो अभी नहीं आएगा इन दो लेक्चर तक, वो यहां से स्टार्ट होगा वर्क में। वर्क में कहानी बदलेगी, तो अभी टेंशन नहीं लेना है यार। जिंदगी में जो चीज आई नहीं उसकी अभी से टेंशन ले रहे हो कि कल को शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, बच्चों का स्कूल होगा, फिर बच्चे यूट्यूब से सर से पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनकी टेंशन अभी मत लो। जब वर्क का लेक्चर आएगा तब वो चीज आपको समझाएंगे। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी का पूरा डिटेल, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। सो मेरा नाम अलक पांडे और आज मैं काफी सही से तैयार होकर आपके सामने आया, और हमारे चैनल का नाम खूबसूरत सा फिजिक्स वाला। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी, तो बच्चों मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की बच्चों जो टोटल एनर्जी होती है, प्यारे बच्चों किसी सब्सटेंस की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है उस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी प्लस उस सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी। बड़ी बड़ी मेजर एनर्जी आपने यही पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, मोशन ऑफ बॉडी की वजह से। जो भी सब्सटेंस आपने लिया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब गैस लिया है तो किसी कंटेनर में ले लिया, मतलब पूरा पूरा कंटेनर का मोशन हो, मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, मोशन ऑफ बॉडी। ऐसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है तो पूरा पूरा मार्कर मूव कर रहा है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दो तीन तरह की होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये मार्कर सरफेस से कुछ हाइट ऊपर रखा है तो MGH, या मार्कर की जगह मेरे पास एक डिब्बा है उसमें गैस भरी है तो उस गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी MGH, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अगर आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा बॉडी में हो सकता हो साउंड एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, वगैरह वगैरह। पर जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो होती है बच्चों इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। बच्चों जिस तरह से इसका नाम है इंटरनल, मतलब अंदर से आई हुई एनर्जी, वही इसकी मीनिंग भी है। जैसे मैंने कहा, मान लो ये एक डिब्बा है और इस डिब्बे में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिब्बा आगे बढ़ रहा है वी वेलोसिटी से, पूरा पूरा डिब्बा, तो इस पूरी बॉडी के पास है काइनेटिक एनर्जी। मान लो ये सरफेस से h हाइट ऊपर है तो इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। ये सब किसकी बात हो रही है? ऑफ बॉडी की बात हो रही है। पर इंटरनल एनर्जी क्या है? जो एनर्जी इसके अंदर है, मतलब जो एनर्जी इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे है, इंटरनल जगह से आई है। इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जीज, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जीज छुपी हुई हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल, अंदर से आई एनर्जी। सो टोटल एनर्जी को अगर हम देखें तो तीन बड़ी बड़ी एनर्जी किसी बॉडी में होती हैं। एक तो बॉडी की मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, बॉडी के अर्थ से हाइट के ऊपर वजह से ग्रेविटेशनल एनर्जी, और मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और बॉडी के मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन करेंगे, वो है उसकी इंटरनल एनर्जी। अब कोई पूछेगा मॉलिक्यूल्स में कैसी एनर्जी हो सकती है? मान लीजिए बच्चों ये एक मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल भी मोशन करता है,
मॉलिक्यूल हो सकता हो एक्स में जाए, हो सकता हो वाई में जाए, हो सकता हो जेड में जाए। तो मॉलिक्यूल भी तो मोशन कर सकता है। मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, किसकी? मॉलिक्यूल्स की मिलेगी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। एक मॉलिक्यूल बच्चों दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो यहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी, ये वाली नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल की एक पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, हो सकता हो ये मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे जुम्बारे जुम्बारे जुम जुम्बारे जुम्बारे जुम वाइब्रेट कर रहा हो, तो इसमें एक और एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। कुछ इस प्रकार की एनर्जीज मॉलिक्यूल रख सकता है, और इस तरह की एनर्जीज को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब मॉलिक्यूल का मोशन जरूरी नहीं है कि ऐसे 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 हो, हो सकता हो मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहा हो, तो रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। सो मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, और ये वाइब्रेशनल एनर्जी बच्चों हाई टेम्परेचर पे ही काउंट की जाएगी। वाइब्रेशनल एनर्जी की बातें हम हाई टेम्परेचर पे करेंगे। बेसिकली हम जितनी बातें करेंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में, हम गैसेस की बात करेंगे, और गैसेस में वाइब्रेशनल एनर्जी सिग्निफिकेंट होती है हाई टेम्परेचर पे। क्लियर है? इतनी बातें आप चाहें तो टीप सकते हैं टीपू सुल्तान की तरह, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमें बात करनी है इंटरनल एनर्जी की, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स के पास लीनियर मोशन हो सकता है, रोटेशन मोशन हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, आपस में अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाई टेम्परेचर पे डोमिनेंट होगी, स्पेशली गैसेस के लिए। अदरवाइज सॉलिड्स में तो वाइब्रेशनल एनर्जी रहती है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान लो बच्चों मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई सिस्टम है, और वो सिस्टम बच्चों रेस्ट पे है, और मेरे पास कोई ग्रेविटेशनल या कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। एक सिस्टम रेस्ट पे है और मेरे पास कोई ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, मतलब उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो, मोशन नहीं कर रहा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, कोई फील्ड नहीं है, मतलब उस सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी आज हम बात करेंगे ऐसे सिस्टम की बच्चों, प्यारे बच्चों, जो रेस्ट पे होंगे और अगल बगल कोई ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मेरे साथ बोलो, हम ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो रेस्ट पे होंगे और अगल बगल कोई ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ऐसे सिस्टम की हमें बात करनी है जिनकी टोटल एनर्जी सिर्फ इंटरनल एनर्जी से बनकर आएगी, टोटल एनर्जी सिर्फ इंटरनल एनर्जी से बनकर आएगी। नोट करें, तो मैंने जैसा आपसे बोला कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली गैसेस के बारे में पढ़ाई करनी है, बेसिकली हमें बात करनी है गैसेस के बारे में। तो अगला टॉपिक आप लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे फॉर आइडियल गैस। मैं इसे मिटा रहा हूं, फॉर आइडियल गैस। अगर हम बात करें आइडियल गैस की, फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की बात करेंगे जो कि रेस्ट पे है प्लस कोई फील्ड नहीं है, मतलब ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। तो जो टोटल एनर्जी होगी गैस की, टोटल एनर्जी ऑफ गैस, वो कहां से आ रही होगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। बोलो बात सही है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म गायब है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी। अब आइडियल गैस की एक बड़ी प्यारी बात होती है बच्चों कि आइडियल गैस की एक थ्योरी ये कहती है, आइडियल गैस की थ्योरी ये कहती है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अमंग मॉलिक्यूल्स। बिलीव नहीं हो रहा पर आइडियल गैस थ्योरी ये बात बोल चुकी है। क्या बोल चुकी है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज बोलने में मजा ही लगाता है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पता नहीं, आइडियल गैस की थ्योरी यही थी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी यही कहती है। काइनेटिक थ्योरी अपना अगला चैप्टर है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यानी यहां पे कोई पोटेंशियल एनर्जी पैदा नहीं होगी। मॉलिक्यूल्स की कोई पोटेंशियल एनर्जी पैदा नहीं, ऐसा माना गया है कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। किसमें? आइडियल गैस में। इसलिए आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी ऑफ गैस नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस लिखूंगा मैं। टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी में एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशनल काइंड, मतलब कहने को नोट करें ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आइडियल गैस की सारी इंटरनल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी से आती है। भाई इंटरनल एनर्जी किसकी है? मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स मोशन कर सकते हैं, कई तरह के मोशन, लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कर सकते हैं, दोनों काइनेटिक एनर्जी, और मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। पर आइडियल गैस में माना गया देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं होगा। यानी आइडियल गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, किताब में लिखा रहता है द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। कंसेप्ट है बच्चों, फिजिक्स कंसेप्ट है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से उड़ा के पढ़ लिया। पहले इंटरनल एनर्जी समझा मैंने क्या चीज थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर हमसे बोला गया कि आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करते तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इसलिए सारी इंटरनल एनर्जी कहां से आती है? काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लें कहां से आती है? काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन कॉल दिस टर्म एज ई, दिस टर्म एज यू। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम तीन तरह की आइडियल गैस की आपसे बात करेंगे, तीन प्रकार के आइडियल गैस की आपसे बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। नोट करना स्टार्ट करें, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। हमने कहा मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? इंटरनल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी। बोलो इतनी बातें श्योर है? मान लिया आइडियल गैस रेस्ट पे है, मान लिया कोई फील्ड नहीं है, तो टोटल एनर्जी कहां से आई? इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब अगर मोनो एटॉमिक यानी जैसे हीलियम हो गया, जैसे नियन हो गया, जैसे अर्गन हो गया, जैसे क्रिप्टन हो गया, है ना ये सब हो गया अपने पास नोबल गैसेस, है ना, हीलियम, नियन, एर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, ठीक है, ये सब होगा। खैर, तो मोनोएटॉमिक गैस बच्चों, ये एक एटम, तो एक एटम क्या क्या कर सकता है? एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, और बोलो जेड में जा सकता है। तो तीन तरह के ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, लीनियर मोशन, तीन तरह के लीनियर मोशन कर सकता है। सो अगर इसकी हम एनर्जी की बात करें या इंटरनल एनर्जी की बात करें, सो काइनेटिक एनर्जी इसकी एक एक्स डायरेक्शन में हाफ, एक मॉलिक्यूल है एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। क्या ये रोटेट भी कर सकता है? बिल्कुल, अपनी जगह पे स्पिन तो कर ही सकता है। दिस मॉलिक्यूल कैन स्पिन ऑल्सो, है ना, हो सकता है मॉलिक्यूल घूम रहा हो। पर बच्चों जब मॉलिक्यूल स्पिन करेगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रोटेशनल होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ रखी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पर देखो आई की वैल्यू बहुत कम आने वाली है। अरे यार छोटू सा मॉलिक्यूल, ये आर कितना छोटा होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है एम आर स्क्वायर, इतना बड़ा आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यार जीरो।
समझे, मतलब स्पिन काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे यार, छोटा सर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो तीन टर्म्स होंगे इसके काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में, या इसके इंटरनल एनर्जी के एक्सप्रेशन में, या इसके टोटल एनर्जी, तीनों एक ही बात है। काइनेटिक एनर्जी से ही बनी इंटरनल एनर्जी बॉडी रेस्ट पे, तो यही टोटल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस। बार बार तो तीन तरह की एनर्जी हो सकती है। वाइब्रेशन को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वाइब्रेशन आती है हाई टेम्परेचर पे, वाइब्रेशन आती है हाई टेम्परेचर पे। गैसेस की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हाई, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वाइब्रेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे तीनों गैसेस में, वाइब्रेशन को हम बाद में, यहां तारा लगा के लिख दो, वाइब्रेशन बाद में, अभी वाइब्रेशन को भूल जाओ, वाइब्रेशन बाद में, ठीक है, बादाम में नहीं बाद में लिखा है मैंने। अच्छा, अब इसके एनर्जी के एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हैं, तीन इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं जिनको एक दूसरे से मतलब नहीं। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी तीन तरह की हो सकती है जिनको एक दूसरे से मतलब नहीं, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन इन द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोल लो, इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस के काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में, ये काइनेटिक एनर्जी तो है तीन तरह की, जितने टोटल टर्म्स होंगे उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी यहां हम कितने टर्म्स देख रहे हैं, एक दो तीन, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से मतलब नहीं हो, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, तीन टर्म्स हैं। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको कई लोग डी ओ एफ बोलते हैं, सिंबल स्मॉल एफ होता है, डी ओ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, यहां एफ की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में एफ की वैल्यू 3 हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, एफ इज इक्वल टू 3, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, एफ इज इक्वल टू 3, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, एफ इज इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें, कर लिया, इसको मिटा दूं, स्पिन वाली एनर्जी नहीं इंक्लूड होगी। चलिए, तो ये बात थी मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की। बात करते हैं बच्चों डाई एटॉमिक आइडियल गैस की। डाई एटॉमिक आइडियल गैस, डाई एटॉमिक में एग्जांपल O2, N2, H2 वगैरह का आप ले सकते हो। बच्चों यदि मैं O2 की बात करूं तो ये O2 का मॉलिक्यूल, ये X में भी भाग सकता है, ये Y में भी भाग सकता है, ये Z में भी भाग सकता है। तो इसके काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे, या इसके इंटरनल एनर्जी एक्सप्रेशन या काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सब सेम होगा, हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, हाफ एम वी वाई स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वेयर। क्या बच्चों इसमें रोटेशन या स्पिन है? जरा O2 मॉलिक्यूल को आप बड़े स्तर पर देखें, ऐसे ऐसा होगा, ओ डबल बॉन्ड ओ। क्या यह मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है? बिल्कुल बच्चों, ये तीन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। मान लेते हैं कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, बस मान लिया, मान लिया बॉन्ड एक्स एक्सिस से बना है, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। तो ये मॉलिक्यूल तीन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, एक तो ये वाई के अबाउट जूम 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 घूम सकता है, दूसरा ये जेड के अबाउट घूम सकता है, ये मॉलिक्यूल है एक्स में, एक तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है जेड के अबाउट, और ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ये किसके अबाउट रोटेशन है? वाई के अबाउट, ये वाला किसके अबाउट? जेड के अबाउट। और तीसरा रोटेशन ये वाला कर पाएगा, स्पिन। देखो एक ये हुआ, एक ये हुआ, तीसरा इसके पास बचा है स्पिन। तो तीन तरह के रोटेशन मोशन कर सकता है, इसमें से काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी? भाई काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है। ध्यान से देखो तो इस वाले में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाई पड़ रहा है, जैसे मान लो ऐसे घूम रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आर ये लोगे ना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर में आर ये लोगे, आर ये लोगे, तो आर काफी ज्यादा है ना इस केस में, देखो आर ये है, आर ये है, काफी ज्यादा है, तो ठीक है।
जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो भी आर ये है, तब भी आर सिग्निफिकेंट है, मतलब आई का फॉर्मूला होता है ना एम आर स्क्वायर, ठीक है। पर जब ये ऐसे स्पिन कर रहा जिंग 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 जिंग, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों ये हुई और मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के बाद इस एक्सिस के तो इस एक्सिस से आर बहुत छोटा हो जाएगा, देखो यूं 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 ये एक्सिस यूं यूं ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस से आर बहुत छोटा है, इसलिए एक्स एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है एक्चुअली जो स्पिन हो रहा है उससे बहुत काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी और उसका टर्म यहां पे नहीं आएगा, क्लियर है। देखो वाई वाला देखो सुक 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 सुक, तो आर ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ऐसे, तो आर ये काफी बड़ा। जेड वाला देखो ये आर अभी भी एम आर स्क्वायर काफी बड़ा, पर एक्स वाले में ऐसा नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी के दो टर्म्स आएंगे, प्लस हाफ आई इन दी वाई डायरेक्शन ओमेगा इन दी वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, हाफ आई इन दी जेड डायरेक्शन ओमेगा इन दी जेड डायरेक्शन का स्क्वायर, और एक्स वाले को नहीं लिया क्योंकि वो रोटेशनल या स्पिन काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन दी एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें कितने इंडिपेंडेंट टर्म है, एक दो तीन चार पांच, यानी डायटोमिक आइडियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बच्चों पांच। अभी हम हाई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, वाइब्रेशन वाली चीजों को छोड़ दिया है, वरना इसमें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम और आती, इसमें भी दो डिग्री ऑफ फ्रीडम और आती, अभी हमने उसको छोड़ दिया है, क्लियर है। तो इसके पास तीन ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीसरी हो सकती थी पर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी स्पिन में, आर बहुत कम था आई बहुत कम था, क्लियर है। ये बात हो गई डाया एटॉमिक आइडियल गैस की, क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूं ट्राया एटॉमिक की, इसको मैं मिटा दूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आप समझ गए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स जिसने लिखा नंबर ऑफ वो पीछे भी ले जा सकता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। चलिए बात करते हैं ट्राइएटॉमिक गैस की, ट्राइएटॉमिक गैस की, वैसे मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल होती है, जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपको माननी पड़ेगी, पर अगर कहीं पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कुछ देता है तो वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये सारी कहानी एक्सपेरिमेंटल है, इसको हम समझने के लिए एक एनालिटिकल तरीका ढूंढ चुके हैं बट है एक्सपेरिमेंटल। जैसे कभी वो आपसे अगर जिंदगी में बोल दे कि O2 के लिए F की वैल्यू 5.6 लो, तो 5.6 ले लेना, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कंडीशन हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा हो, थोड़ा सा वाइब्रेशन वाला भी टर्म आए तो 5.6 तो मान लेना, अगर कहीं कुछ दिया है तो चुपे चाप मान लेना, अदरवाइज जो तरीका बता रहे हैं। अब मान लो ट्राई एटॉमिक क्या, सीधा पॉली एटॉमिक चलते हैं, पॉली एटॉमिक गैस, अपना सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, अपने पास NH3 है, अपने पास CH4 है, ठीक है, ये सब है, इन सब के लिए F की वैल्यू देखा गया 6 आई, इनके लिए F की वैल्यू देखा गया 6 आई, टेम्परेचर अभी लो है, हाई टेम्परेचर पे दो और आ जाएंगे इसकी वजह से, 6 कैसे आई जरा इमेजिन करो, अब इसी में एक मॉलिक्यूल और आ जाए सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे बनाता हूं मैं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये अब देखो ये x में भी चल सकता है, y में भी चल सकता है, z में भी चल सकता है, तो तीन टर्म तो ये आएंगे ही आएंगे, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया मैंने ये, डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बनाता हूं, सो सॉरी S O O O, तो पहली बात तो ये x में भी चलेगा, y में भी चलेगा, z में भी चलेगा, तीन टर्म्स तो हो गए। अब रोटेशन में बताओ, ये x के अबाउट भी रोटेट करेगा, y के अबाउट भी रोटेट करेगा, Z के अबाउट भी रोटेट करेगा, और ये X के अबाउट भी रोटेट करेगा, ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है भाई साहब, ये देखो X के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, ये X यहां से लो पकड़ो zoom 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 zoom, ये वाला रोटेशन भी अब हो रहा है, यहां पे ये वाला रोटेशन नहीं हो रहा था, यहां पर देखो जब यहां इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो आर की वैल्यू काफी बड़ी होगी, यानी आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहां एक्स वाला रोटेशन भी होगा, वाई वाला तो होगा ही, देख लो वाई वाला ये आर जूम 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 जूम, जेड वाला भी होगा, ये जेड जेड के अबाउट ऐसे, ये आर ये आर ये आर, मतलब ये तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, तो तीन टर्म तो ये होंगे और तीन टर्म यहां पे होंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आएगा।
अब इन्हीं सब में कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर हाई हो तो वाइब्रेशन की वजह से दो काइनेटिक एनर्जी के टर्म और आते हैं ड्यू टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां पे तारा बना के एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल एफ इज काउंटेड, और वाइब्रेशनल एफ कितने ऐड होंगे, प्लस टू, सब में प्लस टू प्लस टू। लिख दे कि हाई टेम्परेचर या लिख दे कि वाइब्रेशन लेना है तो सब में प्लस टू, यानी मोनोएटॉमिक का वैल्यू हो जाएगा 5, डायएटॉमिक का 7, पॉलीएटॉमिक का 8, पर जनरली ऐसा नहीं होता। पहले इतना नोट करें, हम आपको पढ़ा रहे हैं टॉपिक इंटरनल एनर्जी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और जिससे हमें मिलेगा इंटरनल एनर्जी का सीधा फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का सीधा एक फॉर्मूला मिलेगा। नोट कर लें, इतना कंसेप्ट क्लियर है, इनमें से कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में, सिर्फ एक चीज पूछेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो मोनोएटॉमिक की 3, भाई मोनोएटॉमिक रोटेट नहीं कर सकता ना, स्पिन करेगा और वो छोटा, डायटॉमिक की 5, ये वाला रोटेशन पॉसिबल नहीं, पॉलीएटॉमिक, डाय से ऊपर को पॉली बोलेंगे, ठीक है, डाय को नहीं बोल रहे, पॉलीएटॉमिक का 6। पॉलीएटॉमिक ध्यान देना कि अब यार बोलने की बात है, कहते हैं कि लीनियर ना हो, लीनियर मॉलिक्यूल ना हो, अभी लीनियर होगा तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा। मान लो कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है ऐसा BCl2 जैसा, BCl, अब मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना इसका, तो BCl2, अब ये मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक तो है, देखो 3 इसमें है, 2 से ज्यादा इसमें भी है, बट इसका ये वाला आपको पता है काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए f की वैल्यू 5। टेंशन नहीं लेना है, जो बता रहा है मान लो, मैक्सिमम वो मोनोएटॉमिक डायटॉमिक पूछता है, जल्दी पॉलीएटॉमिक पूछता भी नहीं है, और पूछेगा तो 6 लेके कर देना है, टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूं ना, नहीं लेना है। अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आएगा तो खुद या तो स्ट्रक्चर बना देगा या तो बता देगा कि भैया f की वैल्यू ये है, बाकी f की वैल्यू जो दे वो एक्सेप्ट कर लो, बाकी f की जो वैल्यू दे वो एक्सेप्ट कर लो। क्लियर है, इतना इतनी बातें क्लियर है, बहुत बढ़िया। यानी इसके अगर इसके मैं एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखूं तो उसमें डैश 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 करके कितने टर्म हो जाएंगे, 6 टर्म्स होंगे, अभी मेरे को इतना समझ में आ रहा है, 6 टर्म्स होंगे, क्लियर। अच्छा जरा मैं इसको मिटाता हूं कुछ चीज़ों को, वाइब्रेशन मैंने बता दिया, बहुत बढ़िया, सब मिटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सब कंसेप्चुअल चीजें हैं पर अगर अच्छे समझोगे तो सवाल बहुत प्यार से कर ले जाओगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन मतलब इक्वली डिवाइड हुई एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जैसे मान लो मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं तो आपको पता है मोनोएटॉमिक में टोटल 3 टर्म्स होंगे एनर्जी के एक्सप्रेशन में, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो ये लॉ कहता है कि हर टर्म की एनर्जी बराबर होगी, बस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मान लो मॉलिक्यूल की टोटल इंटरनल एनर्जी 100 है, 100 तो नहीं मानो, मान लो 90 है, तो ये होगी 30 जूल, ये होगी 30 जूल, ये है 30 जूल, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। मॉलिक्यूल का हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी इक्वल होगा, इक्विपार्टीशन। खैर इसको इन्होंने कहा दूसरी तरह से, इसको इन्होंने कहा ऐसे, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल with each degree of freedom is half kT, where K is Boltzmann constant and T is absolute temperature। ये है law of equipartition of energy। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी, मतलब ये एनर्जी हाफ के टी हाफ के टी हाफ के, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू बच्चों के की होती है, यही लिख रहा हूं,
आर बटे एन, आर अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर पर रखा होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और एन अपना एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10^23। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर है ना पर मोल केल्विन, और एन अपना एवोगैड्रो, मतलब आर की वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग होती है, आर बाय एन ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी हर इस टर्म का वैल्यू है हाफ के टी, सिंपल यही बोला इन्होंने। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच, एक मॉलिक्यूल की बात हुई ना, विद ईच मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल की बात हुई है ना, विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी, ये हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी। यानी मोनोएटॉमिक के लिए एनर्जी ऑफ, मोनोएटॉमिक के लिए अगर मैं एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी, 3/2 kT, 3/2 kT बोल सकते हैं, 3/2 kT। यानी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक, थोड़ा टाइम ले रहा हूं प्यार से पढ़ा रहा हूं, इज F/2 kT। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता था, 3, तो F/2 kT। अब ये याद रख लो, एनर्जी ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल की, मोनो हो डाया हो पॉली हो, वो हमेशा F/2 kT। अभी आगे दिखाते जाएंगे, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज F/2, क्लियर है, ईच मॉलिक्यूल ईच, ये लॉ है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के टी। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सीवरों बोलते हैं इसके डेरिवेशन के लिए एडवांस मैथमेटिक्स चाहिए, जिसकी हमें जरूरत नहीं। हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी, 3/2 kT, 3 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनका F/2 kT। एनर्जी ऑफ वन मोल कितनी हो जाएगी बच्चों, एक मॉलिक्यूल की ये है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, सो हम बोलेंगे F/2 kT या 3/2, चलो हाफ के टी हाफ के टी हाफ, 3/2 kT इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्लियर। ये एक मॉलिक्यूल थी, हमने बोला एक मोल के लिए बताओ, तो एक मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो। जरा यहां ध्यान से देखो, अगर के को एन से मल्टीप्लाई करूं तो आर आएगा गैस कॉन्स्टेंट, यानी एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज 3/2 के और एन मिलके आर टी, यानी एनर्जी ऑफ वन मोल की अगर कोई बात करे तो बच्चों 3 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम लिख सकते हैं F/2 RT। देखो इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू मिलने लगा हमें, असल में ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं होती, खैर उसकी बात करेंगे। एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी होती है F/2 kT, अब F मोनो के लिए 3, डाया के लिए 5, पॉली के लिए 6, एक मोल की होती है F/2 RT, कुछ गलती नहीं हो रही, एक मॉलिक्यूल की 3/2, यहाँ हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी लॉ ने बोला, मिलके एक मॉलिक्यूल की 3/2 kT, एक मोल के लिए एन से मल्टीप्लाई किया, K इंटू एन आर बना 3/2 RT और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी एनर्जी ऑफ एन मोल की अगर हम बात करें, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, एन मोल, एक मोल का ये, तो एन मोल का एन इंटू F/2 RT, ये आपको याद रखना है, ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फॉर एनी गैस, एनर्जी ऑफ एन मोल कर लूँ मैं इसको, एनर्जी ऑफ एन मोल्स एन इंटू F/2 RT, बोलो क्लियर है, जैसे यहां पे आएगा n इंटू 3/2 RT मोनोएटॉमिक के लिए, n इंटू 3/2 RT, n इंटू 3/2, वन मोल के लिए 3 बाय, अच्छा मैं आपसे बोलूं कि आइडियल गैस के एक मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, रिपीट मैं इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपसे पूछूंगा, आइडियल गैस के एक मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे 3/2 RT। सारी इंटरनल एनर्जी कहां से आ रही है, काइनेटिक एनर्जी से आ रही, बता चुका, यानी आइडियल गैस के एक मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। आगे ये हमें मिलने वाला है काइनेटिक थ्योरी में, काइनेटिक थ्योरी में मिलने वाला है प्यारे बच्चों, काइनेटिक थ्योरी में मिलने वाला है ये। मोनोएटॉमिक क्लियर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं डायाटॉमिक बोलता तो डायाटॉमिक, यहां दो एक्सप्रेशन और आ जाएंगे याद है, एक ये घूमने वाला है, एक ये घूमने वाला, यानी हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर और एक्स में आएगा, यानी 5 टर्म हो जाते। ये तो लॉ तो सेम कहेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी,
हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी, यानी एक मॉलिक्यूल का हो जाता है 5/2 kT। अब इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भैया डायटोमिक का, 5 f/2 kT। एक मोल के लिए हो जाता 5/2 kT × n, तो यह आता 5/2 RT, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5/2 RT। क्लियर है? अब इसी में वाइब्रेशन की बात करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सब में दो दो और बढ़ा देना, जैसे मोनोएटॉमिक का फाइनल आंसर हो जाएगा, मोनोएटॉमिक का फाइनल आंसर हो जाएगा 5/2 RT और डायटोमिक का हो जाएगा 7/2 RT। डिग्री ऑफ फ्रीडम दो बना देना अगर वाइब्रेशन भी इंक्लूड करोगे। नहीं आ रहा वो एक्सप्रेशन समझ में आया है कि नहीं बोलो? 5/2 kT हमने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो f/2 kT। एक मोल के लिए इसको n से मल्टीप्लाई किया, k × nR बन गया RT, तो हमने बोला f/2 RT। n मोल्स की बात की तो भैया n मोल्स के लिए n से मल्टीप्लाई n × f/2 RT। अब इसी तरह से पॉलीएटॉमिक का मैं लिख सकता हूँ, उसमें एक टर्म और आ जाएगा 6, तो 6/2, यहाँ पे सब 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में f। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्लियर है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम is half kT, यानी एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर, देखो वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो ध्यान से, half kT, यही है एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर वन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज half kT। तो अगर किसी के f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी, किसी के अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो f/2 kT, वही तो लिखा है। एनर्जी ऑफ वन मोल को ये आपसे पूछे तो इस एक्सप्रेशन को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक मॉलिक्यूल की है एक मोल में एवोगैड्रो, सो f/2 kT × n, kn बन गया r, तो f/2 RT। एनर्जी ऑफ n मोल किसी ने आपसे पूछी तो आप बोलोगे n × f/2। आई होप आई एम क्लियर नाउ। क्लियर है? तो उस एक्सप्रेशन को आप दिल से जान से याद करोगे, बल्कि मैं एक और इससे प्यारा एक्सप्रेशन आपके सामने लेके आऊंगा, आप उसको याद करना। नोट कर लिया प्यारे बच्चों? आराम से चलें, टॉपिक को चबा चबा के पढ़ें, तेजी से ना भागें, तेजी से ना भागें। क्लियर है? तुम टेंशन मत लो, चलो मैं क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एट 300 केल्विन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू मोल्स हाइड्रोजन एट 300 केल्विन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछे, वही किसके इक्वल होगा? इंटरनल एनर्जी के। आइडियल गैस में कोई टेंशन नहीं है ना, मान के चलेंगे आइडियल गैस है, अजम्पशन माना आइडियल गैस, तो कितना होगा n × f/2 RT, बस ये पकड़ दो, n × f/2 RT, खत्म। चलो, हाइड्रोजन हमारी कैसी गैस है? हाइड्रोजन हमारी डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक लिए f का वैल्यू कितना लेंगे हम? 5, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा डायटोमिक लिए हमको 5, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2, तो 2 × 5/2 × r की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। खैर जूल में ऐसा यूनिट बात कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, केल्विन से केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, देखो ये मोल से मोल कट जाएगा और टेम्परेचर केल्विन में 300 केल्विन, तो केल्विन से केल्विन और मोल यहाँ पे होगा, कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, जो भी आंसर है दैट इज द आंसर। क्लियर? ऐसे निकाल सकते हो, जूल्स में आ गया आंसर। ऐसे आपको देखना पड़ेगा, डायटोमिक गैस दिए, ट्राइटोमिक दिए, क्या दिया है, मोनोटोमिक दिए। कर पाएंगे अब? n × f/2 RT, जितनी बार रिपीट करोगे याद होगा, n × f/2 RT। अच्छा, इसने पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम। अब काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, सोचो एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? half kT। कम ऑन, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? half kT। अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो f/2 kT। अब हीलियम हमारा मोनोएटॉमिक, f की वैल्यू 3, xyz का मोशन, कोई रोटेशनल नहीं, f की वैल्यू 3/2 k × t, k की वैल्यू r/n या k की वैल्यू जो भी दे रखी हो पेपर में,
टी की वैल्यू केल्विन में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आप एक एक्सप्रेशन मेरे लिए बच्चों और याद कर लो। चलो मैं लास्ट में लिख रहा हूं, तो इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस दैट इज ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू टी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं लिख सकता हूं डी यू, नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, एफ बाई टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर डिफरेंशिएट होगा डी टी। डी यू इज इक्वल्स टू एन एफ बाई टू आर इंटू डी टी। इसको मैं एक तरह से लिखना चाहूंगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन एफ बाई टू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। भगवान करे आपको ये एक्सप्रेशन याद रहे। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जिसकी हमें आज जरूरत थी, बाकी तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, पूरा लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है। नोट कर ले, मैं अपने मार्कर को, प्यारे से मार्कर को थोड़ी सी सुंदर सी इंक पिला दूं। लेक्चर बचा है 5-6 मिनट का, टॉपिक करीब करीब खत्म पे, 10 मिनट और होगा मुश्किल से। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ बाई आर, एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी। प्लीज बच्चों इसको याद रखना है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी। ये इंटरनल एनर्जी के चेंज का एक्सप्रेशन ऑलवेज वैलिड होगा, ऑलवेज वैलिड होगा, ऑलवेज वैलिड होगा। चलिए तो मैं अब इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ बातें कर लेता हूं। ऊपर मैं ये एक्सप्रेशन लिख देता हूं आपके लिए, यू ऑफ वन मॉलिक्यूल, मैं चाहता हूं आपको याद हो जाए, यू ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देता हूं, यू ऑफ सॉरी वन मॉलिक्यूल एफ बाई टू के टी, यू ऑफ एन मोल्स इज एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू टी, और डेल्टा यू फॉर एन मोल्स इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी। चलिए बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ी डिटेल में। बच्चों इस इंटरनल एनर्जी को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। वैल्यू तो आप इंटरनल एनर्जी की अब निकाल लोगे, हमसे बोले टेम्परेचर 200 केल्विन चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बता दे, नेचर ऑफ गैस बता दे, मोनोटॉमिक डायटोमिक, एफ की वैल्यू मिल जाएगी, खेल खत्म। आर की वैल्यू हमको दी रहती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अच्छा, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मतलब इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्टेट एंड नॉट ऑन पाथ। इट्स वैल्यू नहीं, द चेंज इन यू, द चेंज इन यू दैट इज डेल्टा यू डिपेंड्स अपॉन द स्टेट एंड नॉट ऑन पाथ। जैसे समझाते हैं, मान लीजिए कोई आइडियल गैस का ग्राफ बना है, आराम समझो, कोई टेंशन नहीं, कोई आइडियल गैस का ग्राफ बना है P वर्सेस V का। आइडियल गैस का पहले प्रेशर ये था, वॉल्यूम ये था, ठीक है, मान लो P1 V1, यहां से गैस एक्सपैंड किया, जो हुआ भगवान जाने, है ना, एक्सपैंड किया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, यहां पहुंच गई गैस, वॉल्यूम बढ़ गया V2, और प्रेशर भी बढ़ गया, ठीक है, P2, कुछ हुआ वगैरह हमें नहीं पता, हीट हीट दिया होगा, जो हुआ P2 V2। अच्छा, एक तरीका था ऐसे जाने का, एक तरीका था ऐसे जाने का, ये पाथ वन, ये पाथ टू। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है बच्चों, वो दोनों पाथ से सेम आएगा। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मतलब द चेंज इन स्टेट फंक्शन, द चेंज इन स्टेट फंक्शन, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। स्टेट फंक्शन कुछ चीजें होती हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी है हीट और वर्क नहीं है, इंथैल्पी एंट्रोपी ये सब होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसको हम लोग। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, मतलब इनका जो चेंज होता है वो स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं, डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, डिपेंड्स अपॉन द, ये लिख दूं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ऐसे समझो, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, स्टेट पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल, यानी डेल्टा यू पहली पाथ से पूछें या डेल्टा यू दूसरी पाथ से पूछें, दोनों के लिए सेम होगा, दोनों पाथ का वर्क डन और हीट अलग अलग होगा। अभी पढ़ना है आगे सब चीजें, वो स्टेट फंक्शन नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं कि कोई चीज फर्जी में लास्ट में आई, फर्जी की होगी, तुमको लगता है लास्ट में आया तो फालतू, ऐसा नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल एनर्जी रास्ते पर डिपेंड नहीं करती,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पाथ पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर। इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने निकलता है सारे स्टेट फंक्शन का होता है। जरा तुम मुझे बताना प्रेशर वॉल्यूम। कोई बंदा ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी और वापस आया ए। ठीक है, कोई बंदा ए से चल के वापस ए पे आया। ऐसे प्रोसेस को बच्चों हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि चौकोर हो, जरूरी नहीं गोल, बस जहां से चलो वापस वहीं आ जाओ। ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस दिखेगा उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। मुझे बताओ साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, सोच के। साइक्लिक प्रोसेस में यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए, ये किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ए से चले ए पे ही लौटे, यानी ए की पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी माइनस ए की इंटरनल एनर्जी, तो आंसर विल बी जीरो। और ये ट्रू है। अगर कोई भी चीज स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस में उस चीज का चेंज जीरो होगा, जो कि इंटरनल एनर्जी के लिए भी हमेशा होता है, जो कि हमेशा होता है। क्लियर है, क्लियर है। इंटरनल एनर्जी समझ में आ रहा है, स्टेट फंक्शन अंदर स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस तो जहां से चले वापस वहीं पहुंच गए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। हीट साइक्लिक प्रोसेस की जीरो नहीं होगी, वर्क साइक्लिक प्रोसेस का जीरो नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, शक्तिमान हमें बताता था। क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो, वैसे तो आप नोट कर चुके हो। फॉर आइडियल गैस, मैं तो पहले ही लिखवा चुका हूं, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो आप समझ गए, है ना। इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, और एक्सप्रेशन क्या है इंटरनल एनर्जी का, चेंज का एक्सप्रेशन अपने पास ना, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी। यानी अगर आइडियल गैस कोई आइजो थर्मल प्रोसेस के अंडर गो हुआ है, आइजो थर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी। यानी आइडियल गैस के लिए हम बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दिख रहा है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे मान लो हमें खूबसूरत सा सवाल दे दे कि यहां पे बोले प्रेशर है, यहां पे बोले वॉल्यूम, बोला लीटर्स में प्रेशर, बोला एटमॉस्फेयर में, यहाँ 1 atm, 2 atm, 2 liters, 4 liters, सॉरी लेट अस टेक इट 1 liters, अच्छा 2 liters ले रहे हैं इसको, 4 liters, चलो ठीक है। और हमें ग्राफ बना के दिया, हमसे बोला कोई आइडियल गैस ए से बी पे आई, ठीक है, ए से बी पे आई, तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप लोगों की इंटरनल एनर्जी ऑफ बी माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ ए, पर यहां कुछ दे तो रखा नहीं है। ध्यान से देखो बच्चों, ए पर प्रेशर कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 2, बी पर प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है। जरा प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो, P इंटू वी कितना आ रहा 4, यहां से P इंटू वी कितना आ रहा 4, यानी P1 V1 4, P2 V2 4, कुछ याद आया, बॉयल्स लॉ।
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता था तो P1 V1 किसके इक्वल होता है, P2 V2। ध्यान से देखो, 2 2 4 1 4 4, यानी इस केस में हम समझ रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आइडियल गैस के लिए यदि टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करूंगा, और आपको लास्ट में फिर से एक हिदायत दूंगा कि आप ये बात याद रखें आज के लेक्चर से, ये बात याद रखें आज के लेक्चर से, और ये याद रखें कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है उसका चेंज, और साइक्लिक में जीरो। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट, अगला लेक्चर शायद मैं केमिस्ट्री से उठा के कंपाइल करूंगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वर्क होगा जहां पे साइन चेंज होगा केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स का। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।